न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन चेस ज्वेलरी, सेंट्रम मॉल में क्रिसमस कार्निवल, न्यू हुंडई वेन्यू, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, बीएन घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर। हावड़ा से मालदा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर मालदा स्टेशन के समीप पथराव, यात्रियों में हड़कंप, रेलवे ने किया जांच शुरू। अग्निमित्रा पाल ने लगाया आरोप, तिराट पंचायत अंचल के ग्रामीणों को आवास योजना, जॉब कार्ड एवं अन्य सुविधाओं का नहीं मिला लाभ, आक्रोशित ग्रामीण दीदी के दूतों को करेंगे पिटाई। ममता बनर्जी थकबे तुम्हारे बाड़ी दे देना। आरपीएफ के अत्याचार के खिलाफ ठाकरों ने किया जेल भरो आंदोलन, आरपीएफ बेस थाना पर किया प्रदर्शन। इसका हम लोग आर पार की लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन के द्वारा विद्यार्थी सप्ताह का किया गया आगाज, सप्ताह भर किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। पानी की समस्या दूर करने के लिए 29 नंबर वार्ड की महिलाओं ने मेयर से मिलकर लगाई गुहार, मेयर ने समस्या को जल्द निदान करने का दिया आश्वासन। शुभारंभ के एक दिन के भीतर हाइपरसैनिक सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया, ट्रेन की खिड़की व दरवाजों के शीशे तोड़ डाले, जिससे ट्रेन यात्री व ट्रेन के सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि प्रशासन, मालदा जिला पुलिस, रेलवे पुलिस व रेलवे पुलिस अधिकारियों ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वंदे भारत ट्रेन में पथराव करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन के कोच नंबर C13 पर सोमवार रात कथित तौर पर पथराव किया गया था। कोच के दरवाजे का एक शीशा टूट गया है। इस घटना के बाद हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाले वंदे भारत मंगलवार सुबह फिर से मालदा टाउन स्टेशन में दाखिल हुई। सोशल मीडिया पर सोमवार रात वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए हमले की खबर से उस ट्रेन में सवार यात्रियों के चेहरे पर दहशत के भाव थे। यात्रियों ने यह भी मांग की कि पुलिस निगरानी को मजबूत किया जाना चाहिए। उस दिन वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे हावड़ा निवासी আতঙ্কে আছেন যে যদি আজকে আবার হতে পারে, সে তো হয়েছিল, হ্যাঁ কি করবো, যেতে তো হবে, ইচ্ছা দরকারি কাজে যেতেই হবে, অফিস যেতে হবে, এটা কালকে যেটা হয়েছে খুবই খারাপ, কিছু পলিটিক্যালও কিছু হতে পারে। এই নতুন ট্রেন দুদিন আগেই দিল, তারপরে হামলা, কি মনে করছেন? এটা কিছু পলিটিক্যাল কিছু আছে, এর পিছনে কিছু পলিটিক্স আছে। আপনারা কি আতঙ্কে ভুগছেন? गौरतलब है कि मालदा टाउन स्टेशन घुसने से पहले हरिश्चंद्रपुर थाने के कुमारगंज इलाके में बदमाशों ने कथित तौर पर बाहर से ट्रेन पर पत्थर फेंके और शीशे पर दरार आ गई। उसके बाद रेल यात्रियों में दहशत फैल गया। रेलवे अधिकारियों ने घटना का पता लगाने के साथ ही गहन जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के प्रारंभिक अनुमान है कि मालदा टाउन में प्रवेश करने से करीब 25 किलोमीटर पहले किसी ने जानबूझकर ट्रेन पर पत्थर फेंके, जो वंदे भारत के C13 कोच के दरवाजे से टकराया और दरवाजे के शीशे का एक हिस्सा टूट गया। बदमाशों द्वारा पथराव कर ट्रेन के शीशे तोड़ दिए गए, यात्री दहशत में आ गए। वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने निशाना बनाया, इसका पता लगाने में रेलवे अधिकारियों द्वारा पहले ही जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। तोर भाई बहन आछे? এই যে তোমাদের যে মাটির বাড়ি, হ্যাঁ তোমাদের আমি লিখে দিচ্ছি, যতদিন মমতা ব্যানার্জি থাকবে তোমাদের বাড়ি দেবে না। মমতা ব্যানার্জিকে যদি হাটাও তবে বাড়ি পাবে। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल ने मंगलवार को अपने विधानसभा के तिराट पंचायत अंचल के कई ग्रामों का दौरा किया।
इस क्रम में वे कई ग्रामीणों के घर जाकर उनकी हालचाल की जानकारी ली, ग्रामीणों से मिलकर उसके सुख दुख को सुना। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण भी किया। कंबल वितरण करने के दौरान उन्होंने कहा कि तिराट पंचायत के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। প্রত্যেকটা জায়গাতে চুরি, প্রত্যেকটা জায়গায় 100 দিনের কাজ, যারা কাজ করেছে তাদের টাকা দিচ্ছে না, নিজেরা টাকা কাজও পেয়েছে না, জব কার্ড দিচ্ছে না তোমাদের, অন্য কাউকে জব কার্ড দিচ্ছে, সে বাড়িতে বসে রয়েছে, তার জব কার্ডে অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসছে, সে কাজ করছে না, আর পয়সা কই দিচ্ছে, সব জায়গাতে দুর্নীতি, সব জায়গাতে। গ্রামের মানুষকে এটা বোঝাতে হবে মা, যে যদি আমাদের উন্নয়ন দরকার তাহলে বিজেপি কে আনতে হবে। ইস দৌরান এক বচ্চি নে আকার অগ্নিমিত্রা পাল সে কহা কি ওয়ে পড়াই করনা চাহতি হে লেকিন উসকে মাতা পিতা সক্ষম নহি হে। ইয়া বাত সুনকার অগ্নিমিত্রা পাল উস বচ্চি কো লেকার আয়ে রায় ভঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গই আর ওয়াহা উপস্থিত শিক্ষকো কো কহা কি ইস বচ্চি কো পড়ায়, ইসকো আগে বড়ায়, ইসসে উসকে জো ভি মদদ হোগি ওয়া করনে কে লিয়ে তৈয়ার হে। লক্ষ্মীর মা কোথায়? দিদি ভাই বলে গেছে ওকে যেন স্কুলে পাঠায়, স্কুলে ভর্তি হয়েছে কিন্তু স্কুল যাচ্ছে না বলে ভয় করে, কিসের ভয়? इस दौरान उन्होंने और भी बच्चे बच्चियों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों से यह पूछा कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। কোটি কোটি টাকা মমতা ব্যানার্জিকে পাঠাচ্ছেন যাতে আপনাদের বাড়িতে কল হয়, কল থেকে জল পড়বে, পাইপ লাগবে, সেই কাজ হচ্ছে না। হয়েছে কি? পাইপ বসেছে, বাড়ি বাড়িতে কল হয়েছে, পানীয় জল হচ্ছে পাচ্ছেন, এখনো অব্দি আপনাদের অনেক দূর দিয়ে জল আসছে, কেন হচ্ছে? কারণ এই টিএমসির লোকেরা তারা ওই টাকাগুলো যেটা মোদিজি পাঠাচ্ছে, আপনারা বিজেপি হন কি আপনার গ্রামে যে টিএমসি আছে সেও কি পাচ্ছে? ঘর কি জো রৌনক বাড়ায়ে मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम, डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, अपोजिट गोराई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल।
सपनों की घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सुमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरवड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसुसो। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। एक बार फिर से आसनसोल में धूम मचाने आ रहा है इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर। 6 जनवरी से 16 जनवरी तक आसनसोल के पोलो ग्राउंड में ट्रेड फेयर के समय है दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर में आपको मिलेंगे 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के स्टॉल, जिनमें मिलेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, फर्नीचर एंड इंटीरियर, गारमेंट एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, हैंडीक्राफ्ट, साथ में और भी बहुत कुछ। तो 6 जनवरी से सब परिवार पधारे इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर पोलो ग्राउंड आसनसोल और खरीदारी के साथ तरह तरह के व्यंजनों का उठाएं आनंद। INTTUC हॉकर एसोसिएशन के चेतावनी देने के बावजूद भी मंगलवार को RPF ने एक हॉकर को दौड़ा दिया, जिसके खिलाफ में RPF वेस्ट पोस्ट का घेराव कर सामूहिक जेल भरो आंदोलन किया गया। हॉकर काफी संख्या में आकर RPF पोस्ट के पास पहुंच गए और स्वयं को गिरफ्तारी देने की मांग करने लगे। इस मौके पर INTTUC के परिवहन यूनियन के नेता राजू अहुवालिया भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि RPF हॉकरों के साथ अन्याय कर रही है। गौरतलब है कि बीते 28 दिसंबर को राजू अहुवालिया ने आसनसोल स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफार्म पर प्रदर्शन करते हुए यह चेतावनी दी थी कि 31 दिसंबर को हॉकर आसनसोल स्टेशन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी यदि RPF अत्याचार नहीं रुकी तो सामूहिक आत्मदाह किया जाएगा, जिसमें राजू अहुवालिया प्रथम आत्मदाह करेंगे। लेकिन राजू अहुवालिया ने कहा कि 31 दिसंबर और नववर्ष को देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। उन्होंने कहा कि हम आज भी अपने बात पर कायम है, यदि हॉकरों के ऊपर अत्याचार किया गया तो वे लोग सामूहिक गिरफ्तारी देंगे, अगर इससे भी प्रशासन नहीं मानी तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। प्रत्येक दिन जो है RPF यहाँ पर रेलवे हॉकर्स के ऊपर जुलुम कर रहा है। प्रत्येक दिन आज सारा रेलवे हॉकर्स उठ के चलाया था कि हम लोग भाई आप जेल भर दीजिए, जेल भर दीजिए, आप हमको रोजी रोटी कमाने नहीं दे रहे, हमारे पेट पर लात मार रहे हैं, इससे बढ़िया हम लोग जेल में भर रहे। सूचना मिली, मैं साथ ही साथ यहाँ पहुँचा हूँ, RPF अधिकारी से बात हुई है, उन लोगों से कि भाई ये सब जुलम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। आज हम लोग एकदम स्पष्ट भाषा में कह दिए, अगर रेलवे हॉकर पर जुलम होगा, अगर उस पर अत्याचार होगा, तो हम लोग भी जो है अब इसका हम लोग आर पार की लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस बार हम लोग जो है हम लोग ने सोच लिया है, अगर जुलम बंद नहीं हुआ तो हम लोग भी 24 घंटे के अंदर इसका हम लोग जो है रास्ता निकालेंगे। और हम लोग फिर से जो 31 तारीख और 1 तारीख हम लोग जो अनशन का प्रोग्राम पत्रहार मैंने पोस्टपोन किए थे, फिर हम लोग जो अनशन में बैठ जाएंगे और इसके बाद में हम लोग रेलवे लाइन पर सो जाएंगे। इसकी जितनी जिम्मेवारी होगी RPF अधिकारी की होगी, रेल प्रशासन की। पूरे पश्चिम बंगाल में 2 जनवरी से 7 जनवरी तक विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत पश्चिम बर्धमान जिला में भी विद्यार्थी सप्ताह का आगाज एक रैली निकालकर की गई। यह रैली आसनसोल BNR स्थित रविंद्र भवन से शुरू होकर आसनसोल महकमा शासक कार्यालय के पास जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला के अतिरिक्त जिला शासक संजय पाल, सर्व शिक्षा मिशन के अधिकारी जितेंद्र, आसनसोल जिला निरीक्षक शिक्षा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस रैली में मणिमाला प्राथमिक विद्यालय और चेलीडंगा हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर सर्व शिक्षा अभियान के एक अधिकारी जितेंद्र ने बताया कि पूरे राज्य में जनवरी के प्रथम सप्ताह में विद्यार्थी सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर राज्य सरकार के द्वारा बच्चों में शिक्षा के विकास के लिए सप्ताह व्यापी कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। वहीं मणिमाला प्राथमिक विद्यालय और चेलीडंगा हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच पाठ्य पाठन का सामग्री वितरण किया गया। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে 2023 সালের স্টুডেন্ট উইক যে সেলিব্রেশনের যে ঘোষণা হয়েছে তার আজকের সূচনার দিন হলো। আজকের আমরা রবীন্দ্রভবন থেকে আমরা কোর্ট মোড় পর্যন্ত আমরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে
আমরা স্টুডেন্ট উইক সেলিব্রেশনের প্রথম শুভ সূচনা করলাম। প্রোগ্রাম সরকার তরফ সে কাল আমরা যে প্রোগ্রাম কি বুক পে ও কন্টিনিউ রয়েগা উসকো আমলোগনে কন্টিনিউ কিয়া ওয়াল ওয়াল কা কর্নার কো সিলেক্ট করনা থা ওয়াল পেন্টিং কে লিয়ে ইসলিয়ে কর্নার সিলেক্ট কিয়া গিয়া লাইব্রেরি বুক বাঁটনা থা লাইব্রেরি বুক হামলোগনে বাঁটা ইসকে আলাওয়া অর ভি যো প্রোগ্রাম থা হামলোগনে কাম কিয়া। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी जीटी रोड आसनसोल। में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस। ज्योति नगर नियर वेबल आईटी पार्क आसनसोल 3। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अलेक्सा टर्न ऑन माय कार्स एसी। Introducing the new Hyundai Venue. आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्ट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स सनरेली रोड अपकर गार्डन आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग की बात युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स उषाग्राम आसनसोल और बासरा मोड़ रानीगंज। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम जीटी रोड आसूस। इस नौ वर्ष पर अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल का चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार, चले आइए लोअर चेली डंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहां आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरीज। मोबाइल हॉस्पिटल एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल ओवेसिस अपार्टमेंट लोअर चेली डंगाल आसनसोल।
पश्चिम बंगाल में टीएमटी उत्पादन में अग्रणी कंपनी श्याम मेटालिक्स द्वारा निघा के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर से जुड़े कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंपनी के सीईओ देवाशीष मजुमदार और डायरेक्टर सुमित चक्रवर्ती ने मुख्य रूप से संबोधित किया। इस मौके पर फैक्ट्री प्रबंधक आलोक मिश्रा, यूपी सिंह, मीनू सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। आरंभ में श्याम मेटालिक्स के सीएसआर टीम प्रमुख उर्मिला चटर्जी ने विस्तार से श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक हितों में किए जाने वाले कार्यों का विवरण दिया। इसके बाद कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर देवाशीष मजुमदार और डायरेक्टर सुमित चक्रवर्ती ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सीईओ देवाशीष मजुमदार ने बताया, कंपनी ने अपने विस्तार की कई योजनाएं बनाई है और उस पर काम किया जा रहा है। सब प्लांट मिलाके वो 3.6 मिलियन टन में जाएगा एंड इसमें हमारा जो विस्तार है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर प्रोडक्ट में विस्तार होता है। जैसे पैलेट प्लांट का कैपेसिटी बढ़ेगा, डीआरआई का कैपेसिटी बढ़ेगा, स्टील प्लांट का कैपेसिटी बढ़ेगा। हम लोग नया एक और रूट में जा रहा है जहां हम लोग ब्लास्ट फर्नेस लगा रहा है, कोकोवेन सेंटर ब्लास्ट फर्नेस हम लोग लगा रहा है, हॉट मेट का प्रोडक्ट आएगा, हम लोग डक्टाइल आयरन पाइप लाएंगे। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर इन ऑर्गेनिक ग्रोथ की पकड़े तो हम लोग कुछ एनसीएलटी वाले प्लांट को भी खरीदे हैं, जैसे खड़गपुर में रामस्वरूप इंडस्ट्रीज जो था उसको हम लोगों ने एक्वायर कर लिया, इंदौर में हमने एक स्टेनलेस स्टील प्लांट को एक्वायर कर लिया। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है टू प्रॉन्ग है, हम लोग अपना एग्जिस्टिंग का विस्तार कर रहे हैं, हम लोग अपना इनऑर्गेनिक ग्रोथ में अलग प्लांट्स को भी खरीद रहे हैं और हम लोग अपना प्रोडक्ट बेस भी बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोग पहले DRI और MS स्टील में थे जहां हम लोग TMT वायर आउट करते थे, अभी हम लोग एलॉय स्टील में जाएंगे, हम लोग स्टेनलेस स्टील में जाएंगे, हम लोगों ने एल्यूमिनियम का तो प्लांट खरीदा हुआ है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, डक्टाइल आयरन पाइप्स में जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है एंड आप लोग ने देखा है कि हम लोग ये श्याम मेटालिक जब से ये स्टार्ट हुआ 1981 में, उसके बाद जब से प्रोडक्शन में आया 2002 में, उसके बाद काफ़ी रफ्तार से ग्रो किया है और कभी पीछे नहीं देखा। तो अभी आगे का दिन में भी हमारा जो एग्जिस्टिंग ये है, जो नंबर्स आपने बोला ये करके कंपनी का कैपेसिटी डबल हो जाए, प्रोडक्ट बेस भी बढ़ जाए। वहीं एक सवाल के जवाब में कंपनी के डायरेक्टर सुमित चक्रवर्ती ने इन बातों को निराधार बताया जिसमें कंपनी पर जमीन हड़पने का आरोप लगा था। उन्होंने कहा कि हम कानून के दायरे में ही काम करते हैं, उनके अगेंस्ट में जाने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बहुत छोटा से अपना प्लांट को डेवलप किए हैं और आगे के दिन में भी हमारा लक्ष्य है कि हमारा जो भी काम रहेगा वो कानून के दायरे के अंदर ही होगा। अगर कानून के दायरे के बाहर कोई काम होगा तो उसके लिए हम लोग अपना जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन बोलने वाला बहुत सारे बात बोलते हैं तो उसका जवाब हर वक्त हम लोगों को भी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है देने में। हम लोग शमशान में का जो बात है, आपने सही बात बोला, शमशान को लेके ऐसा बात हुआ था। एक्चुअली शमशान का जमीन को रिनोवेशन करने का हम लोग कोशिश किए थे और हम कर भी रहे हैं, आप लोग भी आके देख सकते हैं, कुछ पिक्चर्स भी शायद है हम शेयर कर सकते हैं, उसका काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ आदमी है, सब आदमी एक साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ आदमी पीछे रह जाते हैं, उसका कुछ सोच अलग रहता है, वो लोग कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसको भी दिखाने के लिए कि हमारा इंटेंशन सही है और हम लोग वो काम करेंगे। एक शमशान का काम हम लोग कर लिए है, वो धास्ता शमशान था, और दूसरा जो चंडीपुर शमशान का काम है उसको हम लोग अभी हाथ दिए हैं, उसका भी बजट हमारा है 40 लाख का, उस बजट के ऊपर हम लोग काम चालू किए हैं। आसनसोल नगर निगम के 39 नंबर वार्ड के दर्जनों महिलाओं ने मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस दौरान उन लोगों ने अपने वार्ड में पानी की समस्या को लेकर मेयर को अवगत करवाई। उसकी मांग थी कि दुर्गा पूजा के बाद से वहां पानी की भारी किल्लत है जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन महिलाओं की बात सुनकर मेयर विधान उपाध्याय ने आश्वासन दिया कि वहां पीएचई विभाग के द्वारा जलापूर्ति की जाती है, लेकिन नगर निगम पीएचई विभाग से मिलकर उस वार्ड में पानी की समस्या की समाधान कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हर घर में जल पहुंचाने का जो कार्यक्रम है वह पूरा हो जाएगा। आसनसोल नगर निगम के क्षेत्र के अंदर आने वाले हर घर में नगर निगम जल पहुंचाएगा। पहुँचाएगा
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल डॉक्टर राय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक ब्लेस हॉस्पिटल श्री बालाजी फैशन चेस ज्वेलरी सेंट्रम मॉल में क्रिसमस कार्निवल न्यू हंडे वेन्यू सदा उद्योग विघ्नेश्वरा मार्बल अभिनव किन्नी हाउस बीएन घाटी इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर